क्या कमाल का रहा आज का एनएक्सटी। ब्रॉन ब्रेकर ने तो एनएक्सटी चैंपियन तोमासो चंपा की तो बैंड बजाकर रख दी। तो मेरे भाई लोग, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आरके रेसलिंग ब्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और भाइयों, आपका हमारे यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। तो फिर चलिए ना, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई, काइल ओ'रायली ने ये कह दिया है वे आने वाले एनएक्सटी में ब्रॉन ब्रेकर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि काइल ओ'रायली इतने गुस्से में क्यों है। अगर आप लोगों ने एनएक्सटी वॉर गेम को देखा होगा तो ये चीज आपको पता होगा। एनएक्सटी वॉर गेम में हमें इन दोनों टीम के बीच काफी शानदार मैच देखने को मिला, जहां टीम इम्पीरियम फाइट कर रही थी टीम काइल ओ'रायली और वॉन वॉगनर के साथ। फ्रेंड्स, सभी को यही लग रहा था कि काइल ओ'रायली एंड वॉन वॉगनर इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है, लेकिन फ्रेंड्स इनकी टीम में वो केमिस्ट्री देखने को नहीं मिली जो हमें टीम इम्पीरियम में देखने को मिली, जिस वजह से टीम इम्पीरियम इस मैच को जीत जाती है। भाई, सच में तारीफ करनी होगी इन दोनों की, काफी अच्छा फाइट किया इन दोनों सुपरस्टारों ने। लेकिन मैच के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, सारी ऑडियंस काइल ओ'रायली एंड वॉन वॉगनर की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे थे, लेकिन तभी वॉन वॉगनर पीछे से काइल ओ'रायली पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारे काइल ओ'रायली थोड़े चालाक है, उन्होंने वॉन वॉगनर को ही धो डाला। लेकिन सच में वॉन वॉगनर ने काफी गलत किया। वॉन वॉगनर ने काफी मुश्किल से काइल ओ'रायली का दिल जीता था, इसके बाद उनकी दोस्ती हुई थी, लेकिन वॉन वॉगनर को ये दोस्ती पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने काइल ओ'रायली को धोखा दे दिया। वॉन वॉगनर को लगता है कि काइल ओ'रायली अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उनके साथ काम करके मजा नहीं आएगा। वॉन वॉगनर अब चाहते हैं, वे अब एनएक्सटी में एज अ सिंगल सुपरस्टार रहना चाहते हैं। लेकिन वॉन वॉगनर ने जो काइल ओ'रायली के साथ किया, इससे काइल ओ'रायली उनसे काफी ज्यादा नाराज है और उन्होंने यह कह दिया है कि वे अब वॉन वॉगनर को नहीं छोड़ेंगे। सो जल्द हमें एनएक्सटी में काइल ओ'रायली का मैच वॉन वॉगनर के साथ देखने को मिलेगा। एनएक्सटी वॉर गेम में कैमरन ग्राइम ने ड्यूक हडसन जैसे हैंडसम सुपरस्टार की तो पूरे लुक की तो वाट लगा दी। फ्रेंड्स, हमें वॉर गेम में ड्यूक हडसन का मैच कैमरन ग्राइम के साथ देखने को मिला। फ्रेंड्स, ये मैच एक हेयर वर्सेस हेयर मैच था। इस मैच में जो भी सुपरस्टार जीतता वे दूसरे सुपरस्टारों के बालों को काटता। इस मैच में कैमरन ग्राइम की जीत होती है और उन्होंने ड्यूक हडसन के पूरे लुक को ही चेंज कर दिया। कैमरन ग्राइम ने तो ड्यूक हडसन के बालों की तो जात ले ली, उन्हें पूरी तरह से गंजा करके चेयर पे बैठ के मजे ले रहे थे। लेकिन इसके बाद ड्यूक हडसन कैमरन ग्राइम से काफी ज्यादा गुस्से थे। आने वाले एनएक्सटी में ड्यूक हडसन कैमरन ग्राइम को नहीं छोड़ेंगे। और फ्रेंड्स, एनएक्सटी का ये सुपरस्टार काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। WWE अब ये चीज जान चुकी है, ब्रॉन ब्रेकर अब पूरी तरह से तैयार है नए एनएक्सटी चैंपियन बनने के लिए। आपने वॉर गेम में तो ये मैच देखा ही होगा, टीम तोमासो चंपा वर्सेस टीम ब्रॉन ब्रेकर। तोमासो चंपा की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, लेकिन हमारे एनएक्सटी के फ्यूचर ये चार यंग सुपरस्टारों ने एनएक्सटी के चार बड़े दिग्गज सुपरस्टारों को बुरी तरह से हरा डाला। ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इस मैच के लास्ट मोमेंट पर ब्रॉन ब्रेकर ने सबसे पहले हमारे एनएक्सटी चैंपियन तोमासो चंपा को एक स्पेयर लगाया, इसके बाद उन्हें उठाकर अपना फिनिशर लगा देते हैं और वे इस मैच को जीत जाते हैं। फ्रेंड्स, इस मैच में आप लोगों ने एक चीज गौर किया, ब्रॉन ब्रेकर ने किसी और को टारगेट ना करके एनएक्सटी चैंपियन तोमासो चंपा को टारगेट किया और उनका पिनफॉल करवा के इस मैच को जीत जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर ने काफी बड़ी चीज कर दी है, उन्होंने एनएक्सटी के चैंपियन का पिनफॉल करवाया है। और जब भी कोई सुपरस्टार एक चैंपियन का पिनफॉल करवाता है तो आप अच्छी तरह से जानते हो इसके बाद क्या होता है। ये सुपरस्टार WWE का फ्यूचर है और अब WWE ये चीज अच्छी तरह से जानती है, इस सुपरस्टार का लेवल अप करने का टाइम आ गया है। ये सुपरस्टार अब जल्द ही एनएक्सटी का नया चैंपियन बनते हुए नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। मेरे भाई लोग, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो प्लीज कर लेना। तो भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।